तो आज मैं आपको यम्मी मम्मी केचप बनाकर बताऊंगी। इतना प्यारा है, इतना टेस्टी है ये। देखिए कलर आर्टिफिशियल कलर नहीं है, ये नेचुरल है। इसके पूरे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मैं वीडियो लास्ट तक देखते रहे, मैं देते रहूंगी एक एक टिप्स। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? ममताज के संग हंसते हैं तो घर बसते हैं। दोस्तों आज मैं आपको टमाटो केचप बनाकर बताऊंगी। टमाटो केचप इतना मजेदार लजीज होगा कि आप बाहर का केचप लेना भूल जाओगे। केचप समझ लीजिए, सॉस समझ लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन बनाऊंगी तो इतना मजेदार, आप वैसे ही फॉलो कीजिए और बनाइए। आइए मेरे साथ। 1.5 किलो टमाटो लेके हूँ मैं, पाक करके 3 बार पानी में धो के हूँ मैं। 3 या 4 बार पानी में धो लें आप। ये देखिए इतनी अच्छी तरह से काट कर हूँ मैं। ये देखिए ऐसे काट लें, ऊपर से ऐसे नीट काट लें। काट कर देखिए इधर में जो ये ब्लैक मार्क आता है उसको केमिकल लग के होता है, इसीलिए पानी में अच्छी तरह से धोने के बाद में ऐसे काट लें। ये देखिए इतनी अच्छी तरह से काट लें। ऐसे काट के अभी इसको पीसेस बनाएंगे हम, मोटे मोटे पीसेस। इसके लिए देखिए इतनी चीज़ों की ज़रूरत होती है। शक्कर है और ये लंबी मिर्ची जो कश्मीरी मिर्ची बोलते हैं वो, सॉल्ट और लहसुन के कलियाँ, अदरक, ये लाल मिर्ची तेज़ वाली होती है। ये ले मेरा वीडियो देखते रहें, आपको सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स और भी बताऊंगी ये बनाते वक्त। ये देखिए दोस्तों ऐसे टमाटो काट के ऐसे देख लें, देखने के बाद में इसको ऐसे काटें, ऐसे मोटा मोटा काट लें, कोई बात नहीं। कौन सा भी डिज़ाइन ले लें आप, एंगल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, कौन सा भी ले लें डिज़ाइन, सर्कल, सिर्फ मोटा मोटा ददरा ऐसे काट लें। ऐसे ऐसे मोटे मोटे पीसेस काट कर रख लें, क्योंकि बाहर का जो रेडीमेड केचप सॉस मिलता है पता नहीं उसके अंदर क्या क्या कैसे कैसे टमाटो डालते हैं, इसीलिए हम घर में बनाएंगे बिल्कुल हाइजीन वाला। ऐसे काट लें, ये देखिए ऐसे काट के मैं पूरे रखती हूँ। अभी चॉप करके मैंने पूरे टमाटो डाल दी। 1.5 किलो टमाटो लेके हूँ दोस्तों, 1.5 किलो है टमाटो ये पूरा। अभी इसको पकने दें, इसके अंदर हम डाल देंगे अभी एक के बाद एक। ये देखिए अभी मैं डाल रही हूँ मिर्ची, लहसुन और अदरक। अगर से आप अदरक नहीं चाहते तो अदरक स्किप कर दीजिए, लहसुन स्किप कर दीजिए, लेकिन ये डालेंगे तो इसका टैंगी फ्लेवर अलग आता है थोड़ा। ये देखिए डाल दी मैंने, लहसुन डाल दी। अभी मैं डालूंगी इसमें शक्कर। शक्कर डालना बहुत ज़रूरी है। शक्कर मैंने आधी कटोरी से थोड़ा ज़्यादा लेके हूँ, यानी पौनी कटोरी लेके हूँ। ये है कश्मीरी लाल मिर्च, ये देखिए। आप चाहे तो 5-6 डाल लें, लेकिन मैंने 4 डाली हूँ। ये कलर इन्हेंस करने के लिए, और एक कलर इन्हेंस करने के लिए सीक्रेट में बताऊंगी अभी। ये देखिए थोड़ा सा सॉल्ट, ज़्यादा नहीं डालें। रेसिपी में सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ये है, ये देखिए बीटरूट, एक बीटरूट लेके हूँ मैं, पीसेस बनाकर डाल लें ऐसे। और सेहत के लिए भी अच्छा है, बच्चे भी खा लेंगे, कोई बात नहीं। बाहर का लेंगे तो सिर्फ आर्टिफिशियल कलर ही कलर आएगा दोस्तों। अभी मैं डाल रही हूँ विनेगर। अभी इसको पकने दें, ऐसे ही पकाएंगे तो 40 मिनट, कुकर में पकाएंगे तो 2 सीटी। आइए दोस्तों देखेंगे अभी। देखिए पानी थोड़ा जिरने को है, अभी हो गए हैं 40 मिनट। अभी देखेंगे कि ये कितना गला हुआ है। ये देखिए देखने का तरीका ऐसा है, ये गर्म है इसीलिए। देखिए आराम से ये जो हम बीटरूट डाले थे शलगम कट हो रहा है। ये लहसुन तो पकी हुई है, ऑलरेडी पक गई है। ये मिर्ची, टमाटो, तो अभी हम इसको थोड़ा पानी जिरने दें। जिरने के बाद में थोड़ा सा जिरने दें, क्योंकि पीसना है ना। अभी जार में डालेंगे, नहीं तो हम ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। इसके पास ये नहीं है ब्लेंडर, तो मिक्सर यूज़ कर लें, मिक्सर का जार। अगर अच्छे मिक्सर का जार भी आपके पास नहीं है फिल वक्त, तो आप मैश कर दें ऐसे, ऐसे मैश कर लें, ऐसे भी मैश कर लें और थोड़ा जिरने दें पानी। ऐसे भी कर लेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मिक्सर में अच्छी तरह से महीन पीसे जाएगा, तो बारीक सा पीसे जाएगा, तो आपको भरपूर आपका एक बॉटल भरकर केचप मिलेगा। इसीलिए हम मिक्सर जार में डालेंगे अभी। देखिए दोस्तों ये गाढ़ा हो गया है अभी केचप हमारा, तो मैंने ऐसे डाल रही हूँ। अभी इसको अच्छी तरह से छान लेंगे इस तरह से। देखिए लिक्विड हमारा नीचे कितनी अच्छी तरह से पड़ा रहा है, देख लीजिए। ऐसे करके इसको अच्छा ऐसा छाने, थोड़ा भी वेस्ट नहीं करना चाहिए।
हर स्नैक्स के लिए तैयार हो गया है दोस्तों। मैं जैसे बताई रेसिपी वैसे ही फॉलो करें। ये देखिए, पकोड़े के साथ खाएं आप या भज्जी के साथ खाएं आप, के लिए ऐसे डालकर देखें, ऐसे करके देखें, देखें नहीं आ रहा है नीचे, ये देखिए। वरना ये गाढ़ा नहीं होता तो इतना लंबा सा लहर आ जाती इसकी। देखिए, ऐसे करने से नहीं आ रहा है, ऐसे करने से नहीं आ रहा है, यानी कि ये परफेक्ट हो गया है। अभी हम इसको बॉटल में डालकर रख लेंगे, ऐसे बॉटल में। बच्चे कभी भी बोले, बड़े बोले, कभी भी घर में कुछ भी पकौड़ा बन जाए तो आप उठाकर इस्तेमाल कर लें। फास्ट फूड का जमाना है, बाहर की चीज मत खाइए। ऐसे डालकर ऐसे रख लें। ये देखिए दोस्तों, डाल देखिए दोस्तों, ऐसे ले लें। ये सूखा है बॉटल, बिल्कुल सूखा है। अभी इसके अंदर ऐसे डाल दूंगी। ये देखिए, ऐसे फिलअप करके रख दें। आपको महीना भर काम आ जाएगा या 2 महीने काम आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा, इसके एक्सपायरी डेट नहीं है। अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो ऐसे ऐसे करके और डाल दें। तैयार हो गया है अभी हमारा केचप। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो करते रहें। मैं अच्छे अच्छे वीडियोस ऐसे ही लेकर आती रहूंगी। तो मेरी रेसिपी फॉलो कीजिए, क्योंकि डोमिनोज और मैकडोनल्ड से ज्यादा मजेदार, KFC से ज्यादा मजेदार रेसिपी बनेगी ये। तो घर बसते हैं, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे फिट दोस्तों, बाय, सी यू।